canal. Bye bye guys. So we are leaving this beautiful hotel. हम जा रहे हैं यहाँ से. ये बहुत अच्छा होटल था और ये बहुत हाइट पे था तो बहुत अच्छा व्यू और एवरीथिंग. ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग इज सो अमेजिंग एंड बहुत टेस्टी था. और अब मोहित गाड़ी चलाने जा रहे हैं. हम आपको अपने आगे की जर्नी दिखाते हैं. अब वी आर गोइंग ऑन सिसू. मोहित रेडी टू गो. सो लेट्स गो विद इट एंड एंजॉय द ट्रिप. बीच बीच में हम हॉल लेंगे तो हम वीडियो क्लिप्स नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पे बनाएंगे आपको जरूर शोकेस करेंगे. थैंक यू, बाय. तो हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ. अटल टनल यहाँ से मनार की डिस्टेंस पे 32 किलोमीटर. जहाँ पर हम पहले रुके थे वहाँ पे हाइट होने पर अब हमें एक एक दिन में भागने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. हमें आदत हो गई है. हम इतना सामान चलाते ही नहीं है. 10 मिनट लगता है हमारा वीजा को होने में. गाड़ी बस निकल जाएगा ना. बाप रे, अंकल इतने एजेड हैं और इतना सही गाड़ी चला रहे हैं. नहीं, मैं अंकल के लिए बोल रही हूँ कि अंकल एजेड है और कितना सही गाड़ी चला रहे हैं. मतलब यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं. मतलब बहुत हम्बल हैं. उनको पता है कि बाहर से जो आ रहा है उसको इतना ड्राइविंग का आइडिया नहीं पड़ेगा जितना परफेक्शनिस्ट उनके में होगा. हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ. हर जगह हर इंसान एक अपना होटल बना के ही मानेगा. बाइक ऑन रेंट. मेरा पति बाइक चला नहीं पाता और मेरे लिए बाइक भारी है. तो अब पड़ेगा हमारा हॉलिडे हाइट जहाँ पे हमने कल स्टे किया था. रात में लग रहा था ये कितना दूर है. सुबह पता चला कि इससे भी दूर हमने बुक कर लिया है. ये है हॉलिडे हाइट्स. नहीं, इसके आगे हैं. उसमें अच्छी खासी पार्किंग स्पेस थी. दोनों होटल अच्छे थे, विवान भी एंड हॉलिडे हाइट्स भी स्टे करने के लिए. यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है. कहीं मोरम पड़ी है, कहीं ईंटें पड़े हो, पत्थर और लकड़ी हर चीज़ पड़ी है. ये आ गया हमारा हॉलिडे हाइट्स. बाय बाय हॉलिडे हाइट्स. हम इन्हीं पे जिस दिन हम पहुँचे थे हम इन पे चिल्ला रहे थे कि कितना ऊपर होटल है. उसके बाद हमने खुद ही इतना ऊपर होटल बुक कर लिया. बाय बाय. ऐसे तो इन्हीं की गाड़ी हुई है, इन्हीं की. तभी वो खड़ी हुई है ऐसे. नाम है ना. सो गाइज, वी आर गोइंग टूवर्ड्स मनाली. हम जा रहे हैं मनाली की तरफ. यहाँ पे देखिए KFC है, पिज़्ज़ा हट है. खाने पीने का यहाँ सही है. ऐसा नहीं है कि कुछ मिल नहीं रहा है. बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं. ओके, मुझे मनाली वाली अपनी रील बनानी है. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ये देखिए गाइस, मनाली की हालत टूट चुका है. ये देखिए सब. ये रोड बहुत अच्छी बनी थी जब हम लास्ट टाइम आए थे. बिल्कुल प्रॉपर डाबर की. मतलब आई डोंट नो क्या हो गया है. भगवान की नहीं तो मुझे लगता है हम आधे घंटे में ही पहुंच जाते हैं. अरे वो तो चला ही गया, तो रोड बन गई है. ये तो वो खट्टर वाटर वाला है ही नहीं. सब खत्म हो गया लग रहा. डायरेक्ट तो इधर ही आ गया. बॉडी छूट गया. गाइस, वी आर गोइंग टू अटल टनल. 38 किलोमीटर. लास्ट टाइम हमें ड्राइवर के साथ जाना पड़ा था. इस बार हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है. मोहित को वैसे ही हमारे ड्राइविंग का बहुत शौक है. उसका ड्रीम था अटल टनल अपनी गाड़ी से जाने का. और पिछली बार जो ड्रीम टूटा
भगवान, इस बार हमने पहले से जिसू में होटल बुक कर लिया, इसीलिए कि भैया हम तो जाएंगे, हम तो बहुत नीचे आ गए। देखें यहाँ पे एक मंदिर है, ये बहुत फेमस टेम्पल है जय भगवान जी की, इच्छा करिएगा भगवान, हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ पे कोई जगह है जहाँ से पानी गिरता है बाबा का, कोई आई थिंक वो किधर है वहाँ पे, ये है शायद, नहीं तारा रिवर ढाबा है, तो पता नहीं पिछली बार हमने रोका था ना। रोहतांगला हम तो भी नहीं जा रहे हैं, रोहतांग हम जाएंगे, रोहतांग हमारी लिस्ट में है, हम रोहतांग कवर करेंगे। देखिए लोग नीचे राफ्टिंग करने फोटोशूट के लिए गए हैं, जो लोग कर रहे होते हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। ये मोहित का फेवरेट पास वे, ये रोड सही लगती हैं, सेफ भी लगती हैं, है ना? ये दो तीन बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ये देखिए जबरदस्त। गवर्नमेंट भी जाती है, ट्रैवलर्स आए, ऐसा नहीं है, है ना? ब्यूटीफुल रिवर, चले ये सोर पी रही मैं यार रे, ये वाली गाड़ी में पांच लोंडे हैं तार में। यहाँ पे लोग ज़िपलाइन कर रहे हैं, हम भी करेंगे, कपल वाला करूंगा मैं, कपल वाला कौन ज़िपलाइन होता है, दोनों एक साथ जाएंगे ना, बगल बगल वाली ना, हाँ अच्छा। ये मुझे कपल वाला ही करना है, मुझे इसके बिना लाइफ में कुछ मजा ही नहीं आता है। क्या रही है ये इसमें, चली तो गई, भैया मास्क रखा हुआ है, यूपी से नरक पहुंचाएंगे यहाँ। सो यहाँ से सोलांग वैली है 3 किलोमीटर्स, अटल टनल रो, हमें सीधे जाना है अटल टनल रोहतांग 14 किलोमीटर्स, की लॉन्ग 57, तो हम तो जा रहे हैं भैया अटल टनल। सिसु में हमारी बुकिंग, हमने लिया है जॉस्टल का एक्सपीरियंस लेने का सोचा। ओहो, अरे मेरा गाना बंद हो गया यार, गुड म्यूजिक गुड ट्रिप मेक्स योर मूड गुड। अब यहाँ से सारे कॉटेजेस, मैक्सिमम नाम है सोलांग कॉटेजेस, सोलांग वैली हमारा घुमा हुआ है, तो हम पहले अटल टनल जा रहे हैं कि सोलांग वैली जा रहे हैं, पहले सोलांग वैली पड़ेगा, सोलांग वैली के नहीं तो आर वी गोइंग टू स्टे इन सोलांग के एंड स्टार्टिंग में ही सोलांग वैली पड़ेगा, वो तो मुझे पता है, आर वी गोइंग टू स्टे देयर और डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सिसु नाउ, सिसु चलते हैं ना, लौटते समय देखते हैं। सोलांग वैली तो पिछली बार हम दो बार घूमे हैं, वहाँ पे शिव जी का मंदिर जो है उस वो ही देखने का मन है। मेरा तो सजेशन यही रहता है कि जो चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं आपसे पहले आप उन्हें एक्सप्लोर कर लीजिए, जो देख चुके हैं उसको देखने में मज़ा तो आता है फिर से क्या चेंज हुआ है, बट नई चीज़ की बात ही अलग होती है।
उन भैया का नंबर मेरे फोन में अभी भी सेव है, जब हमें मनाली में वहाँ अटल टनल से लेके गए थे ड्राइवर भैया। जन्नत है तो भैया यहाँ, ऐसा तो है, बट कश्मीर से मुझे बेटर लगा, मतलब मनाली है ना, नीट क्लीन एवरीथिंग इज गुड, नाइट क्लब इन मनाली भैया, दिल्ली लाइफ हो रही है मनाली वालों की, एक्सप्लोजन द पिकैडली। Guys, this is Solang Valley and we are going towards Atal Channel. यहाँ पे बाथरूम है, लास्ट टाइम में हमने ये यूज़ किया था, अभी वो पैराग्लाइडिंग वाला पार्ट आएगा, ये है ना, कितना धूप हो रहा है, मज़ा ही नहीं आए, है ना, ये देखो सब जा रहे हैं। अच्छा, लोग सोलांग वैली में भी रोपवे है, रोपवे से तो जा सकते हैं फेज टू, नहीं नेक्स्ट टाइम चलेंगे, पुलिस रुकी हुई है, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, हम डायरेक्ट सिसु जा रहे हैं, मतलब टनल ओपन हो चुका है, पिछली बार तो कहते थे टनल में फोटोग्राफी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, पता नहीं क्या नाटक है, नया नया खुलता है ना तब अहमियत होती है उस चीज़ की, पुरानी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, है ना। मोहित की खुशी देखिए चेहरे पे, क्योंकि मोहित को अटल टनल में गाड़ी चलाने को मिलेगा, इसका इसकी बकेट लिस्ट में था एक्चुअली, अब ये लेह लद्दाख के पीछे पड़ा हुआ है, देखो अगर हम 15 दिन का होता तो हम पक्का लेह लद्दाख जा सकते थे, लेकिन इतना हड़बड़ हड़बड़ में कल ही पूरे दिन सोया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे को इतना अच्छा ड्राइविंग आता भी नहीं है, मैं नहीं चला सकती, मेरा माइंड इतना स्टेबल नहीं है। यहाँ किसी भी पहाड़ में किसी लड़की को चलाते हुए देखा है आपने? सच बताओ, कोई लड़की नहीं सुन, क्योंकि माइंड उस लेवल का हम लोग का नहीं होता है, झूठ क्यों बोलना, गर्ल्स आर नॉट अगो, ठीक ठीक बेस पे चला सकते हैं, बट यहाँ तो बहुत रिस्की, ज़रा ज़रा सा ध्यान देना पड़ता है, हमें सिर्फ ज़रा ज़रा सी बातें दिल पे लगती हैं। अटल टनल 10 किलोमीटर्स, हेडक्वार्टर्स इंजीनियर, ओके वाटर रोड, दूसरे की गाड़ी से जाने में मज़ा तो है बट अपनी गाड़ी से जाने का एक्सपीरियंस अलग होता है ना, सब याद आ रहा है मुझे तो, मैं पीछे बैठी थी, मोहित आगे बैठ के कहते हैं, आराम से विलेज सेंचुरी, मुझे लग रहा है सही टाइम पे आने तो ये बंद हो चुका होता है ना, की रोड्स मनाली से अच्छी हैं। यहाँ पे तो लैंडस्लाइडिंग नहीं हुआ ना? हाँ, ये ऊपर ही है ना? लैंडस्लाइड तो नीचे पता चलता है ना? सोलांग वैली हम जाएंगे लेकिन लौटते समय, है ना? हमने तो देखा था बर्फ पड़ रही है, हमें तो बर्फ कहीं दिख नहीं रही, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भैया, जंगल है ये, कोई दूर दूर तक नहीं है, ओह गॉड,
वाओ। अभी अटल टनल आने वाला होगा, अभी वो हमें पहुंचते ही बोल देंगे फोटो मत खींच। मैं वहां रुक के टनल पे हम फोटो नहीं खिंचाएंगे? हाँ, उस पर रुक के खिंचाएंगे, है ना? पिछली बार तो हम नहीं खिंचा पाए थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें इस बार आना था ना। बर्फ से हुए पहाड़, हे भोलेनाथ तेरी नगरी। केदारनाथ तो इससे भी ऊपर होगा ना मोहित, रमरनाथ तो और ऊपर होगा। हर काम देश के नाम, मालिका वो बी जेंटल ऑन माय कप। बताओ ये अंकल यहाँ पे छोला कुलचा लगा रहे हैं, सो हार्ड वर्किंग यार, कितने ऊपर से लेकर नीचे से आ रहे होंगे, है ना? अभी 16% बैटरी बची है। सो वी आर क्रॉसिंग गंदी ब्रिज, नियर बाय अटल टनल है, आने वाला टनल हो गया। आई थिंक गोप्रो ने रो दिया है, गोप्रो ईड भी कर रहा होगा। चल जा गोप्रो थोड़ी देर और। अब ये सब नीचे से कैसे दिखेगा जब तक ऊपर आके एक्सपीरियंस नहीं लोगे, है कि नहीं? जोड़ना ओनली 2 किलोमीटर लेफ्ट है, हम पहुंचने वाले हैं, अटल टनल आने वाला है। ये बर्फ बर्फ बर्फ, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, इतना ज्यादा सुंदर कि पूछो ही मत। हम आ गए, कुछ रह गया। सफेद पहाड़ नीचे, खूबसूरती तो यहाँ है। रिस्क है तो इश्क है, GoPro रोक लेती हूँ नहीं तो पुलिस वाले सबसे पहले। ये वी आर रीच टू अटल टनल रोहतांग। अब हम यहाँ करेंगे अपना फोटो शूट। ऑब्वियसली इतनी स्पेशल प्लेस है, दिस इज अटल टनल रोहतांग। हेलो गाइस, सो वी आर इन हियर अटल टनल। अब हम जा रहे हैं सिसु, आप देख सकते हैं यहाँ का सीनिक ब्यूटी कितना ज़्यादा सुंदर है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा खासा वेदर है, तो गर्मी भी है ठंडी भी है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय विद अस। सो हम जा रहे हैं अटल टनल रोहतांग, वो भी अपनी गाड़ी से। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40, धीरे धीरे चलाना। Dreams come true. Yeah, राम राम से। अब स्टॉप कर दूँ ना, तो सेम ही है। Approximately 1.5 kilometers left for the tunnel. एक पीछे गाड़ी आ रही है, उसने दो बार हॉर्न बजाया, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो ओवरटेकिंग, नो ओवर स्पीड। स्पीड लिमिट इज अप्रॉक्सीमेटली 60, सो उसी पे चलाओ। और हर जगह पे आई थिंक इट 10 मिनट्स का ही डिस्टेंस है, तो स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलो। और कोई क्या कर रहा है, हमें क्या करना है यार, यहाँ पे ओवरटेक आप कैसे करोगे, यहाँ जगह ही नहीं है। अब से 1 किलोमीटर लेफ्ट है, बस हम बाहर आने वाले हैं हेवन में। सिसु वी आर कमिंग, क्योंकि दोनों साइड पुलिस लगी हुई है, यहाँ कोई जरा से भी हरकत करेगा वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं तो जल्दी घबरा जाती हूँ, तो लोग लड़ने लगते हैं।
लौटेंगे भी शायद अटल टनल से ही, है ना? 0.5 किलोमीटर, अब यहाँ पे 40 की स्पीड है। इस मामले में लकी रहे कि हमारे सामने कोई गाड़ी नहीं थी, तो हमें टनल का पूरा व्यू दिख गया। नो ओवरटेकिंग, डो नॉट लेट हर, द फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर स्ट्रिक्टली मेंशनड हियर, सो ड्राइव सेफली एंड स्टे सेफ, स्टे काम। और जिसको जल्दी है तो भाई फिर वो देख ले अपना। आने वाले हैं हेवन। ये जो पीछे आ रहे हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा चश्मा भी गिर गया है। आ गए भैया, आ गए हम सीसू। यार नेट नहीं आ रहा है क्या? वेलकम यू टू चंद्रा ब्रिज। भाई भीड़ देखिए, पहले यहाँ कुछ नहीं रहता था, अब इजी टू रीच हो गया है। रुत निकल गई, इनको खुशी मिल गई, आई एम हैप्पी। सामने हमारा अटल टनल और ये है पहाड़ों की वादियाँ। हमें इधर ही जाना है ना? तो मैं अपना हटा ही दिया, मैं आप हटा नहीं दिया, नेट चला गया था। रुक जाओ, अभी एक मिनट रुकेगा। अब हम रखेंगे पहले अपना लगेज हॉस्टल में। अंकल जी, और उसके बाद हम जाएंगे घूमने। बहुत बदल गया है यार मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब सो मुझ गए पर्ची कटाने के लिए, 300 रुपये चार्ज है। ट्रैवल में ये सब तो रहता ही है, यू नीड टू हैव टू पे सेवरल टोल्स और एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन टैक्स हमने पे किया और यहाँ पे सिसु की एंट्रिंग के लिए हमने अभी पेमेंट कर रहे हैं। हमारे बगल में एक दीदी है। लेट मी स्टॉप दिस वीडियो। होगा। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने जो हॉस्टल की तरफ। सामान गिर रहा है, 9 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। जब हम पिछली बार आए थे तो ये पूरा बर्फ बर्फ था। हो सकता है आगे वो बर्फ है ना, ये पानी। तब हम फेब में आए थे, अब हम नवंबर में आए। ठंडा तो हो रहा है मोहित, ठंडा इस बार होता है। और ये बोल रहे हैं कि स्वेटर में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। This is beautiful. Let's go. देखिए, जब मैं पानी में डुबकी लगाता हूँ फोटो नहीं खिंचाऊंगा क्या? मेरा पति बस गाड़ी चलाता चाहता है, फिर कहता है सोचते हैं थोड़ा आराम कर लें। यहाँ पे मैं गिरी थी पिछली बार, यहाँ बर्फ पड़ी हुई थी। यार यहाँ तक बर्फ नहीं आ रही है बूबू। हाँ इस बार तो यहाँ तक भी बर्फ नहीं है। देखो थोड़ी थोड़ी है, हाँ मिलेगा हेलीपैड में थोड़ी थोड़ी। 7 मिनट्स, टचवर्ड हमारा नेट चल रहा है क्योंकि मुझे अपना वर्क कंटिन्यू करना है। अभी ये खाने का पता नहीं, जो हॉस्टल का क्या सीन है। बाप रे, ऑफ रोडिंग। मनाली टूट गया है। एक ब्लॉगर हैं गाय फ्रॉम मनाली, हम उन्हें वॉच करके घूमने आए थे। उन्होंने कहा था यहाँ ब्लैक आइज मिलेगी, तो हम डर गए थे, इसीलिए हम अपने स्नो चेन सब लेकर आए थे।
लेकिन आइस तो है, आई थिंक जब वो आए होंगे तब आइस पड़ी होगी, स्नोफॉल हुआ होगा। हम मनाली पहुंच जाए तब स्नोफॉल हुआ। ये आई थिंक दूसरा पाथवे है, वो टूट गया होगा तो यूपी सोना वो मुझे देख रहा था मेरा गोप्रो, इसीलिए मेरा गोप्रो से रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करता। पीपल आर जजिंग दैट आई एम ओनली अ यूट्यूबर, यार आई एम वर्किंग प्रोफेशनल आल्सो, दिस इज इम्पोर्टेंट। I'm doing vlogging because it's a interest of mine. My job is my profession. यहाँ जब आए थे हम पिछली बार तो बहुत बर्फ़ थी, बहुत बर्फ़ थी, बहुत ठंडा था। हमारी फोटोज भी हैं पुरानी, तो मैं थोड़ा और पतला था, अब मैं खा खा के मोटू हो गया हूँ। पहले मुझे टेंशन रहती थी पढ़ाई की, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक हेलीपैड में भी बर्फ नहीं है भाई, नहीं ना? कुछ नहीं है। सिसु वाटरफॉल देखने चलेंगे। आई थिंक ये वाटरफॉल वही तो नहीं है जो पिछली बार भैया जी ने दिखाया था, जरा सा पानी गिर रहा था। हाँ उसने दिखाया था, वहाँ फोटो भी खिंचाई थी हम दोनों ने। हाँ ट्रैक कर लेंगे, पहले हॉस्टल चले। ठंडा तो है भाई रात में, यहाँ बहुत ठंडी होने वाली है भाई। ये इजी टू रीच हो गया है, देखो लोग कितना क्राउड है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे राफ्टिंग के लिए। क्या राफ्टिंग के लिए तो पानी ही नहीं है ना बीच में। व्हाट पीपल आर डूइंग हियर, आई डोंट नो। सिस्टर की शूटिंग तो नहीं हो रही है कोई? अरे ये पिक्चर की शूटिंग हो रही है किसी। हाँ है ना, लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ ये देखिए नीचे हीरो दिख भी रहा है। हीरो तो नहीं दिख रहा है लेकिन ये शूटिंग किसी पिक्चर की है। लाइट्स हैं भैया, रुकना है या रोक नहीं सकते ना? रोक तो सकते हैं, क्या करेंगे। कैमरा लाइट्स रखे हुए, लाइट कैमरा एंड एक्शन। ये 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 बहुत बढ़िया है। हाँ यार छोटा मोटा सीरीज सीरीज होगा या कोई एड होगा या पता नहीं। ये देखिए पिक्चर शूट हो रही है यहाँ, तो ये भी देखने को मिल गया। सही है यार, इंजॉय बोटिंग एट सिसु। बोटिंग एट सिसु करनी है मुझे। ओफो तुम रिकॉर्ड बंद मत होना प्लीज। हिमालय की प्रगति सीमा साड़ा संगठन की दृढ़ इच्छा शक्ति। एक कोट पुण्य पढ़ा था, माउंटेन इज प्लेजर व्हेन यू ड्राइव विद लेजर एंड दैट हिट्स माय हार्ट यार। तो गाइस यहां पे मिली अपनी रील बनाते हुए, सिद्धू खा रहे हैं, सिद्धू और वेज मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। हाय गाइस, तो हम आ गए हैं हॉस्टल सिसु। राधा की पास बने का मजा। अरे हम बचना पकड़ नहीं पाएंगे, ये मोड़ते हैं। सुबह जी अभी स्टेज इन हॉस्टल इन सिसु फर्स्ट टाइम जो हॉस्टल एक्सपीरियंस अच्छा था। रिसेंट यहाँ पे ऑल द सर्विसेज आर सेल्फ, तो दे प्रोवाइडेड वेल एंड हेल्थ। यहाँ पे डेस्क है आपकी, ऑफिस की कवर्ड है।